उतार लो भाई बराबर अगला पक्की कार रखना उपलब्ध का नौकरी हो करते हैं आप लोग लेते बराबर रिप्लाई करें इसका रेखा का देखो परमानता dy / dx हो जाएगी dy / dx आप लोगों को सबको ज्ञात करना आता ही है जो ज्ञात करते हैं उसमें पॉइंट रख देते हैं तो परमानता बन जाती है अब विलंब की बटे में आती है माइनस किया जाएगी इसका रेखा का समीकरण y - y1 x - x1 अब विलंब का समीकरण लिखते हैं तो परमानता नीचे आ जाती है x अक्ष के समांतर y अक्ष के लंबवत की परमानता 0 होती है x अक्ष के लंबवत और y अक्ष के समांतर की परमानता अनंत होती है कोण ज्ञात करना होता है तो दोनों की परमानता ज्ञात कर लो कोण का सूत्र लगा दो स्पर्श रेखा की लंबाई और यह विलंब की लंबाई नोट करते ही रिप्लाई कर देना किताब निकालो पेज नंबर निकालो साठ नंबर पेज साठ नहीं साठ पेज नंबर आपका आ गया बासठ नंबर पेज निकालो बासठ नंबर पेज है उसको हम निकाले पहला क्वेश्चन देखो y स्क्वायर इक्वल x है x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण है तो 45 होता है तो tan थीटा m इक्वल tan थीटा होता है ये प्रवणता m आ जाती है और tan 45 है तो m का मान कितना हो गया dy / dx का मान 1 है तो ये मान देखो यहां से dy / dx निकालो dy / dx इक्वल हो गया 1 / 2y प्रवणता आपको 1 दे रखी है तो यहां से y का मान निकल के कितना आ गया बोलो 1 बटा 2 y का वापस 1 बटा 2 लिख दो x का कितना हो जाएगा 1 बटा 4 दूसरा नंबर 2 y इक्वल b e माइनस x / a y x को काटती है y x पर है x बराबर 0 होता है तो x की जगह 0 0 लिखोगे तो यह पूरा e की पावर 0 का मान 8 y इक्वल कितना बन गया b या आ गया आपका बिंदु अब आपको पहले क्या ज्ञात करनी होती है इसकी परवणता dy / dx b e की पावर x का उपलब्ध e की पावर x x का माइनस का 1 / a परवणता ज्ञात करके उसमें क्या लिखना होता है बिंदु dy / dx ज्ञात करके बिंदु को परवणता बनती है तो बिंदु लिखोगे बिंदु देखो x की जगह 0 तो ये e की पावर 0 की वैल्यू 1 तो परमानता कितनी हो गई माइनस का b / a अब आपको क्या पूछा है स्पर्श रेखा का समीकरण तो ये देखो स्पर्श रेखा क्या है समीकरण y - y1 है y1 का मान है b परमानता आ गई माइनस का b / a x - x1 का मान 0 तो वचन गुणा करा दो ay - ab = dx पक्षांतर कर दो
dx plus ay equal ap, ap का क्या दे दो भाग, तो ap का भाग दोगे तो ये देखो उत्तर आ गया x upon a plus y upon b equal कितना हो गया a, क्या आंसर है। दूसरा नंबर तीन, तीन नंबर में है y equal x square minus का 3x plus 2 एक y equal x है, दोनों लंबवत है, दोनों लंबवत है तो दोनों की प्रवणता का गुणनफल है minus 1 dy upon dx कर लो 2x minus 3 बिंदु है नहीं यही प्रवणता होगी dy upon dx बराबर है 1 दोनों का गुणनफल है minus 1 2x बराबर है 2x बराबर कितना आ गया 1 x बराबर 1 देखो कौन से कोऑर्डिनेट में है दो नंबर कोऑर्डिनेट में है तो ऑप्शन कितना हो गया 2x बराबर 1 देखो यहां पुट कर दो यही से x के बराबर y का मान पूछा है तो ये देखो 2 1 3 3 में से 3 गया तो y का मान 0 आ गया तो बिंदु कितना हो गया 1 0 दूसरा नंबर 4 4 नंबर में बीच का क्या पूछा है कोण x स्क्वायर इक्वल है 32y और y स्क्वायर इक्वल है 4x है और 2x है इक्वल हो गया 32 dy अपॉन dx dy अपॉन dx का मान आ गया x बटा 16 यहां से निकालो 2y dy अपॉन dx इक्वल 4 dy अपॉन dx का मान निकालोगे तो ये हो गया 2 बटा y ठीक है अब देखो इनको इंटू करवाओगे तो माइनस एक नहीं आया इसका मतलब आपको इसकी क्या चाहिए प्रवणता तो आपको पहले बिंदु नहीं है बिंदु चाहिए भाई बिंदु आएगा तो प्रवणता आएगी तो बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं एक का मान दूसरे में पुट कर दिया करो ये बात ध्यान देनी है अब यहां से y का मान है वो यहां पुट कर दो या x का मान यहां पुट कर दो x का मान आ गया y स्क्वायर बटा 4 ये यहां पुट कर दो तो x स्क्वायर लिखोगे तो y की पावर 4 बटा कितना हो गया 16 इक्वल 32y y से y कट गया तो y की पावर 3 इक्वल 16 इनटू 32 अब इसको y की पावर बनानी है अब मैं 3 पावर है तो ये भी किसी संख्या की 3 पावर बना दो तो ये 4 की पावर 2 हो गया 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 9 भी ना तो 2 की पावर 9 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो 2 की पावर 3 और ऊपर 3 तो 3 से 3 कट गया तो y का मान कितना आ गया बोलो 8 y का मान 8 यहां लिख दो और x का मान कितना आ गया 16 तो 16 में 16 का भाग दे दो 1 आ गया ये तो प्रवणता और m2 का मान y का मान 8 लिखोगे तो 2 बटा 8 है 1 बटा कितना आ गया 4 अब इस फॉर्मूले में क्या रख दो मान लिख दो तो फॉर्मूले में मान लिखोगे तो tan थीटा इक्वल है m1 minus m2 upon 1 plus m1 है m2 4 में से 1 घटा दो 3 बटा 4 और ये 5 बटा 4 तो आंसर हो गया tan इनवर्स 3 बटा 5 तो ये बात ध्यान देनी है यदि आपको बिंदु नहीं दिया हुआ तो एक का मान दूसरे में पुट करना है आगे बात समझ में तो ये देखो एक का मान दूसरे में आपने पुट करा पहले x स्क्वायर y स्क्वायर का यहां से आपने क्या करा x का मान निकाला y स्क्वायर बटा 4 ये इसमें पुट करा तो यहां से किसका मान आया y का और फिर x का फिर आपको प्रवणता निकालनी है ठीक है उसके बाद में देखो दूसरा नंबर है 5 5 में भी आपको यही पूछा है बीच का क्या ज्ञात करना है कोण ज्ञात करना है y इक्वल 4 माइनस x स्क्वायर y इक्वल x स्क्वायर dy अपॉन dx ज्ञात करो माइनस 2x यहां dy अपॉन dx निकालो 2x अब देखो इसमें भी कोण पूछा है तो कोण पूछा है बिंदु नहीं है तो पहले इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है बिंदु ज्ञात करना है और बिंदु ज्ञात करने के लिए एक का मान दूसरे में पुट कर दो तो इसमें तो देखो x स्क्वायर ऐसा कैसा है तो ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख दो y लिख दो
y इक्वल 4 माइनस y तो 2y इक्वल 4 है, y इक्वल कितना आ गया 2, y इक्वल 2 लिखोगे तो x का मान बोलो यहां से √2, ठीक है, तो बिंदु कितना हो गया, बिंदु आपके पास आ गया √2 और 2, पहले ये बिंदु ज्ञात करना जरूरी होता है कोण के लिए, एक का मान दूसरे में पुट करके, अब आप लोग इसकी प्रवणता निकालेंगे, तो रूट दो लिखोगे तो ये आ गया माइनस का दो रूट दो और ये प्लस का दो रूट दो, ठीक है, अब आप लोग टेन थीटा लगा दो, m1 इसको m1 मान लो, ये m2 अपॉन वन माइनस हो जाएगा m1 m2, तो ये हो गया चार रूट दो बटे वन माइनस दो दुनी चार, चार दुनी आठ, मॉडुलस है तो आठ में से क्या तो सात है, ये आंसर हो गया चार रूट दो बटा सात है, अब बोलो एक से पांच तक किसी के भी कोई फिगर है तुरंत प्रभाव से लिख सकता है, क्लियर है, एक से पांच तक किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 6, अभिलंब की क्या पूछी है, लंबाई x इक्वल a थीटा प्लस sin थीटा, y इक्वल 1 माइनस cos थीटा, तो dx अपॉन d थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, पहले 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया a sin थीटा, अब देखो dy अपॉन dx क्या करते हैं, और dy upon d theta में dx upon d theta का भाग देते हैं, यही से कट गया, अब यहां से pi by 2 पर दूसरा है, pi by 2 तो sin 90 का मान क्या होता है बोलो, sin 90, sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो ये कितना बच गया 1, तो प्रवणता तो आपकी कितनी आ गई बोलो 1 आ गई, अब अभिलंब की लंबाई पूछी है, अभिलंब की लंबाई का अभी आपको सूत्र लिखाया था y रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो ये देखो y, y का मान यहां से निकालो, थीटा का मान कितना है pi by 2 है, तो pi by 2 लिखोगे तो cos 90 का मान है 0 होता है, तो y का मान कितना बच गया बोलो a, root 1 plus dy upon dx का मान कितना है a, तो a करे root 2, तो root 2 a, क्वेश्चन नंबर 7, y equal 1 minus ax square, y equal x square, संपूर्ण ये काटते हैं, तो संपूर्ण पर काटते हैं तो प्रवणता का गुणनफल है माइनस एक होता है, तो दोनों का गुणनफल घटो माइनस एक, अब देखो यहां से अब इसमें बिंदु नहीं है, पहले आपको अक्ष हटाना है, ठीक है, अक्ष हटाने के लिए एक का मान दूसरे में आपको पुट करना पड़ेगा, तो एक का मान दूसरे में पुट करो, इसमें देखो y का मान लिख दो यहां से 2 से 1 में,
दो से एक में लिखोगे तो x स्क्वायर इक्वल 1 माइनस ax स्क्वायर, x स्क्वायर को ले लो, x स्क्वायर इक्वल आ गया 1 अपॉन 1 प्लस a। तो देखो यहां पे दोनों का गुणनफल करवाओ माइनस a में, तो ये आ गया 4a x को x से x स्क्वायर का मान लिख दो। अब यहां से सॉल्व कर लो तो ये हो गया 3a इक्वल 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 1 अपॉन 3। ऐसे a की वैल्यू ज्ञात करनी है, समकोणीय काटते हैं तो दोनों का गुणनफल माइनस a है। तो अब आपको x स्क्वायर का मान चाहिए तो a का मान दूसरे में पुट करो, तो यहां से x स्क्वायर का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर 1 नंबर सेम ही है, अक्ष अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो m का मान कितना हो गया, प्रवणता 1 आ गई, तो dy / dx कर दो, 2y dy / dx इक्वल 4a, dy / dx इक्वल है 2a / y, प्रवणता 1 है, तो y का मान कितना हो गया 2a, y का मान 2a सेकंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में आपके पास किन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के लंब है, अक्ष अक्ष के लंबवत होता है, तो dy / dx किसके बराबर होता है, अनंत के बराबर, और dy / dx को अनंत के बराबर लिख दो, अनंत का मतलब 1 / 0, तो dy / dx बना दो वक्र का, तो वक्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो 2x है 2y dy / dx माइनस 2, तो 2 सब में से कॉमन आकर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, dy / dx निकालोगे तो 1 माइनस x / y हो गया, अनंत है तो 1 / 0, वजन गुणा करवा दो तो y इक्वल क्या आ गया बोलो 0 आ गया, और y इक्वल 0 देखो कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में है, बस वो ऊपर आ गया क्योंकि y इक्वल 0 यहां लिख दो। तो ये देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अब इसका फैक्टर कर लो, माइनस 3 प्लस 1 उत्तर आ गया 1 और 3, माइनस 1 और 3 जो टुकड़ा होता है उसका उल्टा चिन्ह, तो आप तो सीधा यहीं से चेक कर लो कि y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 दोनों ऑप्शन में सिर्फ 3 में है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में x इक्वल cos t और y इक्वल sin t, तो dx निकालोगे तो हो गया माइनस sin t, dy निकालोगे cos t, dy / dx cos t / sin t, तो माइनस का हो गया cot t, t का मान है pi / 4 है, तो pi / 4 लिखोगे तो प्रवणता आ गई माइनस 1 है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब pi / 4 लिखोगे तो cos pi / 4 की 1 / root 2, sin की भी 1 / root 2, y minus y1 है, प्रवणता माइनस 1 है, x minus x1। अब इसको सॉल्व कर लो तो y ये प्लस x है, ये प्लस का 1 / root 2, ये भी प्लस का 1 / root 2, तो root 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 है, 11 में आपके पास है x इक्वल a cos क्यूब t, y इक्वल a sin क्यूब t, अब देखो dx / dt, तो इसका अवकल कर लो 3a cos स्क्वायर t, cos का हो गया माइनस का sin t, dy / dt 3a sin स्क्वायर t, sin का हो गया cos t, अब इसमें आप लोग dy / dx फाइंड कर लो, तो 3a sin स्क्वायर t cos t में माइनस का 3a cos स्क्वायर t sin t का भाग दे दो, तो माइनस का sin t / tan t cos t का माइनस का इतना ही रहने दो। अब आपको पूछ रहा है विलंब का समीकरण, y minus y बने माइनस का 1 / m, x minus x1, यह विलंब का समीकरण लिखाया था, बिंदु इसमें है नहीं, ठीक पर ही पूछे, ये का यही x1 बन गया, ये का यही y1 है, तो y1 का मान आ गया a sin cube t, प्रवणता का उल्टा लिखो तो माइनस माइनस,
प्लस cos t अपॉन sin t, x माइनस a cos 2t, सॉल्व कर लो, y sin t माइनस a sin 4t, x cos t a cos 4t, पक्षांतर कर लो, a cos 4t a sin 4t, x cos t ये इधर आएगा तो माइनस, अब देखो इन दोनों में से एक क्या ले लो, कॉमन है, एक कॉमन ले लिया, तो ये देखो चार घात है, चार घात तो एक बार को प्लस में लिखोगे, एक बार माइनस में लिखोगे, माइनस वाला किसका फॉर्मूला होता है, साइन का या कोस टूटी का, कोस टूटी, या आपका उत्तर आ गया। दूसरा नंबर है 12 नंबर है 12 नंबर में y इक्वल x स्क्वायर प्लस px प्लस c को एक एक पर स्पर्श करे इसका मतलब एक एक पर स्पर्श करता है तो एक एक इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा तो संतुष्ट करा दो y इक्वल 1 b प्लस c और b प्लस c को कौन संतुष्ट करेगा उत्तर संतुष्ट करेगा तो इसको उत्तर से संतुष्ट करवा दो तो b plus c का मान 0 पहला ऑप्शन देखो minus 8 plus 2 0 नहीं बन रहा दूसरा ऑप्शन आ गया minus 8 plus 1 बराबर 0 कितना नंबर ऑप्शन आ गया दो नंबर बिंदु वक्र को संतुष्ट करता है जो बचता है उसको ऑप्शन संतुष्ट करता है सीधा उत्तर बिना किसी मेथड के दूसरा नंबर 13 13 में बीच का क्या पूछ रहा आपको कोण xy इक्वल है a स्क्वायर अब देखो वही x है फर्स्ट x को इधर भेज दो dy अपॉन dx 1 अपॉन x का अवकलन है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाता है तो माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इसमें 2x 2y dy अपॉन dx इक्वल 0 तो dy अपॉन dx इक्वल हो गया x अपॉन y और इनटू करवा लो पहले चेक कर लो माइनस एक आ जाता है तो सीधा ही दोनों का गुणनफल माइनस एक आता है तो 90 डिग्री तो देखो इनटू करो माइनस का चिन्ह है अब देखो एक्स से एक्स कट गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का मान दे रखा था यहाँ पे देखो यार एक्स वाई का मान वाई कितना है ए स्क्वायर ये देखो ऐसे माइनस एक तो इसका मतलब माइनस एक आ गया इसका मतलब कितने डिग्री का कोण हो गया 90 अब आपको बिंदु नहीं निकालना वाइस में अन्यथा आपको बिंदु निकालना पड़ता फिर ये बड़ा हो जाता फिर फॉर्मूला लगाते तो ये बड़ा हो गया तो आप लोग पहले इस तरह से चेक कर लें जिसमें भी माइनस का चिन्ह आता है तो कोशिश करें कि 90 बनता है तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा आप बोल दो भाई 1 से 13 तक कोई क्वेश्चन में डाउट है तुरंत दस नंबर में क्या डाउट है स्पर्श रेखा का सीधा समीकरण पूछा है कोई डाउट नहीं है दस में अवकलन नहीं आता क्या x बराबर a cos t दे रखा है y बराबर दे रखा है sin t cos का अवकलन हो गया sin t और sin का हो गया cos t तो dy / dx निकालो cos / sin cot 45 का मान 1 स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 बराबर mx - x1 एक्स वाई का पॉइंट आपको बताया था ना पीछे के दो क्वेश्चन एक का मान दूसरे पे रख के पुट कर लो ये बताया था ना ये रहा इसमें वाई इक्वल वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ समीकरण एक ये समीकरण दो वाई बराबर एक्स स्क्वायर दो से के इसमें लिख दिया एक में दो से मान एक में लिखा तो ये देखो किसका मान आ गया
अक्ष का ये वापस यहां लिख देते y बराबर तो है x स्क्वायर तो वो किसका मान आ जाता y का आ गया ये तो x का मान आ गया यहां से ये लो अब y इक्वल x स्क्वायर तो x स्क्वायर का मान ये बिना रूट का हो गया 1 प्लस a a का मान दूसरे में पुट करो सॉल्व करो और बोलो ये रहे अब देखो आप लोग एक क्वेश्चन लिखें और उसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का आंसर आप दो सॉल्व करें फटाफट 16 नंबर का आंसर आप दो 14 15 16 तीनों का ही आपको देना फटाफट 14 15 16 तीनों का एक साथ आंसर देना है बी जो नहीं आंसर देगा उसके घर पे अभी कॉल करूंगा अभी जस्ट क्लास में विलंब वाले में आपको थीटा का मान दे रखा है पाई बाय 2 तो थीटा की जगह पाई बाय 2 रख दो अपने आप ही एक्स वाई का मान आ जाएगा बिंदु दिया होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है वो प्रश्न में लिख दिया करो 6 नंबर क्वेश्चन था विलंब की लंबाई पूछी थी उसमें थीटा का मान पाई बाय 2 लिखा हुआ है तो थीटा की जगह पाई बाय 2 रख दो एक्स वाई का मान आ जाता है दूसरा नंबर 11 में e बिंदु t दिया हुआ है तो t का t है वो x y का मान बन गया जो प्रश्न में है वो कब है जवाब से बच्चे ने आंसर भेज भी दिया तुरंत प्रभाव से ऑप्शन लिख के भेजना है एक साथ आंसर देना है तीनों का आंसर एक साथ ही सेंड करना है सभी को आंसर भेजना कंपलसरी है नहीं आता है तो लिखो सर मेरे को नहीं आता जो भी नहीं भेजेगा मैं नोट कर रहा हूं घर पे फोन जाएगा आप लोगों की जिम्मेदारी होगी वरुणा क्लास नहीं ले जाता बीच में बंक करता है बेहतर गया दोबारा सॉल्व कर रहे सेकंड नंबर 15 नंबर का रोंग है तेरा
बस इतने का ही आंसर है। अब मैं लिख देता हूं आपको 1 4 7 10 से 12 14 15 16 18 4001 19 20 21 22 23 31 34 35 36 39 45 45 इन कैंडिडेट का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, है तो लास्ट एक मिनट है, जैसा भी आप लोगों को आता है वो आप लोग लिख सकते हैं। जनता चौदह का आ चुका है रिप्लाई, 35 36 का हो गया, जनता 16 का भी आ गया है 39। फटाफट लिखो, बस इतने कैंडिडेट हैं। 73 15 का आ गया, 73 7 का हो गया है, ये कैंडिडेट है जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं आता वो सीधा ही ऐसे लिख दो नहीं आता। 12 ने लिख दिया नहीं आता, 42 ने लिख दिया, 45 ने लिख दिया। अब ये कैंडिडेट ध्यान दे लें, यदि यहाँ है प्रेजेंट ये कैंडिडेट क्लास में मौजूद है तो कुछ ना कुछ रिप्लाई अवश्य लिखें। कोई रिप्लाई नहीं है इसका मतलब ये कैंडिडेट क्लास से गायब है, 19 का आ गया, बाकी किसी का नहीं है। एक बार सुन ले भाई, 73 01 4 10 18 20 21 22 23 34 4001 यदि है तो लास्ट में एक बार कुछ लिख सकते हैं। इनमें कोई कैंडिडेट यदि मौजूद है तो लिख सकता है, नहीं लिखे तो ये देखो आपके सामने कैमरे में कैद हो गए हैं और उनके बाद में घर पे सूचित कर देंगे, अब इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं। देखो चौदह नंबर, देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर a, x y इक्वल c स्क्वायर। समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं तो कंडीशन क्या होती है, परवणता का गुणनफल कितना होता है बोलो, माइनस ए। परवणता ज्ञात कर लो, 2x से माइनस 2y dy अपॉन dx इक्वल 0, तो यहां से dy 2 है तो 2 तो 0 हो गया, dy अपॉन dx निकालो, ये तो आगे जाके माइनस इसका लग जाए माइनस, ये देखो कट हो गया, dy अपॉन dx निकालोगे तो x b स्क्वायर ay, ये तो पहले की प्रवणता हो गई m1, दूसरे की प्रवणता x का 1 है तो y, x y का dy अपॉन dx तो इक्वल 0, dy अपॉन dx निकालोगे तो माइनस का y अपॉन x, ये m2, अब दोनों का गुणनफल करवा दो, गुणनफल होता है माइनस एक, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स से कैंसिल, तो ए इक्वल क्या आ गया बोलो, बी स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर होगा, ए का भी तो स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन हो गया। उसके बाद में 15 नंबर है, x स्क्वायर y इक्वल 1 है, y इक्वल x स्क्वायर है, अब देखो यहां से dy अपॉन dx निकालोगे तो 2x आ गया, यहां से देखो x स्क्वायर का 2x प्लस एस पे सेकंड से कर लो, x स्क्वायर का 2x हो गया, y ऐसा कैसा,
ठीक है। आप देखो यहाँ पे या ऐसे लिख दो, इसका भाग दे दो, अब इसको ऊपर ले जाओ, अब x की पावर n का अवकलन कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो dy अपॉन dx इक्वल हो गया माइनस का 2 x की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, इसको बटे में लिख दो, ठीक है। अब आपके पास देखो क्या है कि दोनों का गुणनफल करवाओ, तो गुणनफल करवाओगे तो देखो माइनस का तो चिन्ह है लेकिन ये एक नहीं बदल रहा है, तो एक का मान दूसरे में पुट करो, एक का मान देखो दूसरे में पुट करते हैं तो यहाँ y की जगह x स्क्वायर लिख दो, ये बन गया, एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, ये तो आता है काल्पनिक, x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर कितना बन गया बोलो, प्लस माइनस 1, तो प्लस का चिन्ह लेने पर ये देखो कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया माइनस 2, माइनस का चिन्ह लोगे माइनस का लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका आ जाएगा माइनस का, तो उससे कोई फर्क नहीं है, उत्तर दोनों का सेम ही आएगा। अब आप लोग टेन थीटा ज्ञात कर लो, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, m1 का मान ये 2 ले लो, m2 का माइनस माइनस प्लस हो गया 1 माइनस 4, 4 बटे कितना हो गया बोलो 3, तो थीटा इक्वल हो गया tan इनवर्स 4 बटा 3, ये उत्तर आ गया। उसके बाद में दूसरा नंबर है 16, 16 में y स्क्वायर इक्वल है 16x है और 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4, तो 2y dy अपॉन dx बराबर 16, dy अपॉन dx का मान आ गया 8 बटा y, ये हो गया 4x, 2y dy अपॉन dx इक्वल 0, dy अपॉन dx निकालोगे तो माइनस का 4x बटा 2y। अब देखो इंटू करवाओ तो माइनस का 16x बटा वाई स्क्वायर आ रहा है, y स्क्वायर का मान देखो आपके पास है ना 16x, ये रहे देखो कितना बच गया माइनस 1, इसका मतलब कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री आ गया। अब बोलो किसी के इसमें दिक्कत है, हाँ साथियों स्टूडेंट्स कोई कैमरे में क्लियर करना होता है, ठीक है, जो रिप्लाई नहीं करता है काम चोर होता है, क्लियर हो गया, तभी मैंने आपको ये बीच में दिए थे कि आप लोगों के दिक्कत कहाँ की है वो चीज क्लियर हो जाए। इसमें दोनों चीज होंगे, पॉइंट एक से मान दूसरे में रखना और बिना पॉइंट का। दूसरा नंबर 17 में भी आपको देखो मध्य कोण ज्ञात करना है, ये खुद सॉल्व करना करते हैं। 18 वाला देखो बिल्कुल इजी सा मेथड है, ये कह रहा है एक एक पर खींची है ना, इसका मतलब है ये एक एक इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा, तो एक एक संतुष्ट करेगा तो ये आ गया, इसको कौन संतुष्ट करेगा, इसको ऑप्शन संतुष्ट करेगा, ऑप्शन से संतुष्ट करा दो। पहला ऑप्शन है एक और दो, ये देखो इसको संतुष्ट करना है, एक नंबर उत्तर आ गया। दो नंबर का चेक करो, दो नंबर देखो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तीन नंबर का चेक करो, तीन नंबर का भी संतुष्ट नहीं कर रहा, तो एक से काम चला लेगा, उत्तर आ गया एक, एक से ज्यादा ऑप्शन संतुष्ट करा रहा तो मेथड में जाना है, ऐसा संभव नहीं होता है, ज्यादातर आपका बिल्कुल सही होगा, आप तो एक ही काम करो ऑप्शन से संतुष्ट पर्सन को कराओ, उत्तर को एक भी को संतुष्ट करा दो, बिल्कुल आपका आंसर संतुष्ट कराओ उत्तर पाओ, जिसको संतुष्ट नहीं कराना आता उसको कुछ नहीं आता। अब ये देखो अगला क्वेश्चन नंबर 19, अक्ष बराबर 2 पर अभिलंब पूछा ना 2 पर, तो 2 लिखो देखो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 4, अब परिमाणता निकालो, बिंदु 2 4 हो गया, ठीक है, अब 2 4 इसमें लिख दो,
तो 2 का स्क्वायर 4 4 की है 12 16 कितना बच गया बोलो माइनस का 4 अब आप लोग अभिलंब का समीकरण लिख दो y माइनस y1 है अभिलंब का समीकरण आता है 1 अपॉन m माइनस से माइनस प्लस हो गया x माइनस x1 अब इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपके पास आ गया x से माइनस का 4y इक्वल बन गया आपके पास है ये 16 और 2 माइनस का 16 तो 16 2 16 18 आ रहा है 18 आएगा भाई 18 4 4 अच्छा 2 ही लिखना था यहां पे 4 2 8 दोनों से 2 ही लिखना 2 का स्क्वायर 4 3 12 ये 4 2 8 4 आएगा तो 4 आएगा तो ये माइनस का 1/4 हुआ तो ये माइनस है ये प्लस तो ये x प्लस 4y और 16 तो कितने हो गए 18 20 में पूछ रहा है x अक्ष के लंबवत है x अक्ष के लंबवत होता है तो dy / dx का मान क्या होता है बोलो अनंत लिखा है आपको तो पहले तो देखो t के सापेक्ष अवकलन कर लो dx / dt dy / dt अब dy / dx निकालते हैं तो dy / dt में dx / dt का भाग देते हैं अब अनंत है अनंत को क्या लिख सकते हैं 1 / 0 वजन गुणा करवाओगे ये तो हो गया 0 और ये बन गया 2t 2t के इक्वल 0 तो t का मान 0 आ गया तो ये पूछा t का मान बताओ क्वेश्चन नंबर 21 21 में प्रतिच्छेद कोण पूछे बिंदु आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कोई दिक्कत ही नहीं है प्रवणता निकालो dy / dx = 2x dy / dx = minus 2x प्रवणता आपको दे रखी है एक एक बिंदु दे रखा है एक एक तो बिंदु एक लिखोगे तो ये तो 2 आ गया और ये माइनस का 1/2 फॉर्मूले में लिखना है दूसरा नंबर है 22 x अक्ष पर लंब है x अक्ष पर लंब है तो ये का यही मेथड हो गया dy / dx क्या बनेगा बोलो अनंत सेम इसी तरह से सॉल्व करना है दूसरा नंबर 23 23 में देखो y इक्वल x की पावर 1/5 dy / dx निकालते हैं तो 1/5 5 x की पावर माइनस 1/4 अब देखो इसमें 1/ बट्टे में आ गया नहीं अब ये पूछता 0 0 पर तो यहां x की जगह 0 लिखोगे तो क्या बन गया अनंत अनंत बन गया तो ये देखो कौन सी लाइन हो गई x अक्ष के लंबवत हो गई x अक्ष के लंबवत लाइन होती है वो क्षैतिज होती है ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर लाइन होती है दूसरा नंबर 24 समकोणीय काटते हैं तो परमाणता का घनत्व है -1 25 में समांतर है x अक्ष के समांतर है तो dy dx = 0 किन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य सतीश में आपको dy / dx ज्ञात करके किसके इक्वल कर देना है 0 के इक्वल है 2x 2y dy / dx - 2 = 0 तो यहां से देखो 2 सब में आगे कैंसिल dy / dx 1 - x / y इसको किसके इक्वल है 0 के इक्वल है x बराबर कितना गया 1 x बराबर 1 यहां लिख देना किसका मान आ जाएगा y का x बराबर 1 वैसे देख लो चौथे ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 27 27 में आपको दे रखा t बराबर 1 पर है तो x बराबर t स्क्वायर है y बराबर 2t है t बराबर 1 तो पहले तो dx / dt निकालो 2t dy / dt 2 अब इसमें पॉइंट रख दो पॉइंट t बराबर 1 है तो पॉइंट आ गया 2 और 2 ही बन गया अब इसमें dy / dt निकालो तो 2/2t 1/t t का मान आपके पास 1 है तो प्रवणता आ गई 1 और बिंदु ये दे रखा है अभिलंब का समीकरण निकाल लेना
28 में प्रतिच्छेद कोण है, 29 में भी कोण है, 30 में भी कोण है, 31 किन बिंदुओं पर प्रवणता शून्य है, यारा dy / dx ज्ञात करके किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 32, अभिलंब अक्ष अक्ष के समांतर है, अभिलंब अक्ष अक्ष के प्रवणता अक्ष अक्ष के समांतर होती है तब तो dy / dx = 0 और अभिलंब अक्ष अक्ष के समांतर होता है तो dy / dx = अनंत। क्वेश्चन नंबर 33, स्पर्श रेखा की क्या पूछी है, प्रवणता सीधा ही dy / dx है। अब बोल दो भाई 1 से 33 तक टॉपिक फिनिश हो गया है, स्पर्श रेखा और अभिलंब के 33 तक इक्वेशन थे, आगे वर्धमान ह्रासमान आ गया है और उचिष्ठ निम्निष्ठ तो वो कल फिनिश हो जाएंगे, तो कल अवकलन का अनुप्रयोग फिनिश। 1 से 33 तक जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना है आप लोग तुरंत लिख सकते हैं। पहले आप लोगों को 1 से 33 तक इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, जो भी नहीं आएंगे वो मैं बता दूंगा। अब आप लोग एक बार लास्ट पे अटेंडेंस सबमिट कर दें, सभी के सभी अटेंडेंस कर दें। एक बच्चे ने पूछा 32 नंबर क्वेश्चन है, तो 32 में ये लिख दिया ना, अभिलंब अक्ष अक्ष के समांतर होता है तो प्रवणता क्या होती है, अनंत। और बोल दो हाँ, एक बार जाना मत, ये जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं मैं इनसे बात करूंगा, जो आप सेंड थे वो प्रश्न नहीं भेजे थे, 10 से हाँ भाई मेरे घर पे कॉल जाएगा, बीच में गायब था, तुमने कोई रिप्लाई नहीं करा था पर्सन का। तेतर 23, तेरे घर पे भी कॉल जाएगा, तू भी बीच में गायब था, तूने भी कोई रिप्लाई नहीं करा था। हाँ और करो अटेंडेंस देखो, हाँ तो वो बाद में करा था, काफी समय बाद में, टाइम ही पूरा हो गया था, उसके बाद में आपने रिप्लाई करा है, मैंने बोला था ना 1 मिनट का टाइम है, मैं प्रश्न बताने स्टार्ट करा था तब आपने आंसर भेजा था। आगे से ध्यान रखना, एक मौका दे रहा हूं तेरे को तुरंत भेजा कर। हाँ 23 तेरे भी घर पे कॉल जाएगा, तूने कोई बीच में गायब था, 23 ठीक है, ये जो गायब है मैं इनको अभी कॉल कर देता हूँ।